कौन? नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली व्लॉगर सरोज। फ्रेंड्स, ये व्लॉग शुरू हुआ है मॉर्निंग से और यहाँ पे चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज ना सुबह सुबह बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए जो है बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, तो इसलिए जो है ये काम शुरू हुआ है थोड़ा लेट। तो और यहाँ पे बन रहा है मूंग दाल का बर्गर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यम्मी और हेल्दी ये डिश लगने वाली है और बच्चों के टिफ़िन के लिए जो है ये ही बहुत ही अच्छी, ये बेस्ट जो है रेसिपी है बच्चों के टिफ़िन के लिए या हॉलीडे में आपको बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे मूंग दाल को मैंने शाम को भिगो दिया था, मतलब रात को, पूरी रात को ये जो है अच्छी तरह से भिगोने के लिए रख दिए थे। तो आपने देखा ये बहुत ही अच्छे हो गए हैं, ये धुली मूंग दाल है। तो बस अब इसका जो पानी है मैं उसको ड्रेन कर लूँगी और इसको जो है अच्छे साफ़ पानी में एक दो बार धो लूँगी और फिर उसके बाद हमें करना है इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड, क्योंकि हमें बनाना है इसका पेस्ट। और पानी मैंने यहाँ हल्का सा ऐड किया है, ज़्यादा पानी आपको नहीं ऐड करना है, पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो यहाँ एक बार तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, दूसरी बार जो मूंग बचे थे उनमें जो है मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि पहली बार का जो बैटर था ये मेरे को थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि पतला हो गया है, तो इसलिए जो दूसरी बार का था ये देखिए थिक गया, तो ये जो है फिर परफेक्ट बैटर तैयार हो गया। तो अभी मैंने डाला है इसमें एक इनो का पैकेट और इसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके हमें रख देना है साइड में। और अभी हम बनाएंगे जो हमने इसमें स्टफिंग करनी है ना उसका बैटर। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, दो प्याज और दो टमाटर इनको कट कर लिया है और ये पनीर को मैंने क्रश कर लिया है और जो चीज़ है उसको कर लिया है कद्दूकस। और बस जी यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। और एक जो है ये आलू मैंने थोड़े से लिए हैं, इनको कर लिया है बॉयल। तो बस ये अभी इनको बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई मैंने रख दी है और उसमें जो है ऐड किया है अपना कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी है। और फिर उसके बाद जो है ये प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है और हमें ना बिल्कुल जो है इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसका हल्का कच्चापन ख़त्म करना है, मतलब ब्राउन हमें प्याज को नहीं करना है। और जैसे ही थोड़ा सा प्याज पका उसके बाद जो है मैंने इसमें कर दिए ऐड टमाटर और थोड़ी देर उनको पकाया और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए जो आलू मैंने उबले हुए मैश किए थे उनको। और यहाँ पर ही हम लोग करेंगे इसमें मसाले ऐड, हल्की सी पिंच भर हल्दी ऐड की है और मिर्ची पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है और साथ में जो है मैंने इसमें ऐड की है नमक, क्योंकि नमक मैंने जो है बैटर जब मैंने मूंग दाल को पीसा था तो उसमें भी मैंने नमक ऐड किया था, वो मैं वहाँ पे आपको बताना भूल गई। तो इसलिए जो ये स्टफिंग मैंने बनाई है ना इसमें भी मैंने नमक जो है उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड किया है। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया था पनीर जो मैंने क्रश किया था वो। आप चाहें तो पनीर को जो है कट पीसेस में भी कट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है क्रश करके जो है डाला है। और मैंने साइड में जो है इसको रख दिया है ठंडा करने के लिए। और जैसे ही ये थोड़ी देर ठंडा हो गया ना मैंने यहाँ पे जो है बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे बड़ा पैन लिया है, आप चाहें तो रोटी बनाने वाले तवे में भी बना सकते हैं। और पैन को जो है पहले हमें कर लेना है ग्रीस घी से और फिर उसके बाद जो है हमें ये जो मूंग दाल का जो हमने बैटर बनाया है ना उसको जो है हमें ले लेना है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैंने जो है थोड़े जो है बड़े बनाए थे और थोड़े छोटे बनाए थे, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने मतलब जिस हिसाब का आपको साइज़ बनाना है उस हिसाब से। तो बस इसको जो है हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है क्योंकि हम बना रहे हैं बर्गर। तो और अभी मैंने जो स्टफिंग तैयार की है ना उसको मैं डाल दूँगी इसमें के बीच में। और ये जो हम स्टफिंग डालेंगे ना इसको थोड़ा थोड़ा जो है प्रेस कर लेंगे, मतलब कि जो हमने बैटर फैलाया है उसमें, ताकि जो हमने मूंग दाल का बैटर डाला है वो उसमें फिल हो जाए। ऊपर से मैंने डाला है पनीर और डाली है चीज़ और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा मूंग दाल का बैटर और ऊपर से डाल दिया है और फिर जो है थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया है। कम आँच में हमें इसको पकाना है
और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस ये बनता है। मूंग दाल का जो बाहर का जो ये बैटर है वो जो है क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है, और बीच में जो फिलिंग है उसका जो है टेस्ट अलग सा भर इसमें आता है। तो इसको जो है पलट पलट के मैंने यहाँ पे पका लिया है, दूसरी तरफ जब इसको मैंने बदला तो भी ढककर पकाया है, और बस यहाँ पे जो है अभी ये बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको कट करके दिखाने वाली हूँ अंदर से इसकी जो स्टफिंग है वो कितनी अच्छी हुई है, और आप चाहें तो उसको कट करके भी खा सकते हैं। लेकिन ये मैंने बनाया है बर्गर, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको कट कर रही हूँ। इसको जो है सैंडविच का नाम भी दे सकते हो। और बस यहाँ पे ये बन के रेडी हो गए हैं। और फिर जो है ना मैंने बड़ा पैन रख मैं जो है तीन मतलब छोटे छोटे साइज़ के भी बनाए थे, तो बस ये तो है आपके ऊपर है आपको कौन सा साइज़ चाहिए। तो बस इसी तरह से जितना भी बैटर है उसके मैं बना लूँगी। आई होप आपको जो है ये बहुत ही अच्छा रेसिपी लगने वाली है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिफ़िन के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो एक ऑप्शन हमारे पास जो है स्कूल टिफ़िन के लिए हो जाता है बच्चों के लिए। और इसमें जो है ना सारी हेल्दी चीज़ें हैं, चीज़ है और जो भी मतलब बीच में जो फिल किया है वो बच्चों की सारी फेवरेट है। आप इसमें कॉर्न ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉर्न ऐड नहीं की है मेरे पास क्योंकि थी नहीं, लेकिन अगर आप कॉर्न भी ऐड कर देते हैं ना स्वीट कॉर्न तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बस यहाँ पे बन के रेडी है, अभी जो है मैं दे रही हूँ इसको बच्चों को गर्मा गर्म, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। तो वैसे तो ये स्कूल के लिए प्रिपरेशन की थी मैंने, लेकिन बारिश की वजह से जो है आज बच्चे जो है इसका घर पे ही इंजॉय करने वाले हैं। और पारस तो जब से बन रहा था ना तब से जो है बार बार किचन में एंटर हो रहा था खाने के लिए। डियर फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी जो है हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और हस्बैंड और कोमल बेबू गए हैं मार्केट और मैं और पारस हैं घर पे। और बाहर ना आज जो है झूले लगे हुए हैं और बारिश का मौसम है, लेकिन अभी तक हम गए नहीं हैं झूला झूलने। देखते हैं जैसी बारिश थोड़ा सा बंद होगी तो हम जाएंगे झूला झूलने। और यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट्स में जो है वो भी लगने वाला है रक्षाबंधन और मतलब सावन का मेला जो है लेडीज ने वो किया था कि वो उसके जो है स्टॉल्स वगैरह लगाएंगी, लेकिन बारिश की वजह से ना सब चौपट हो गया। अभी पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वीडियो तो आपके साथ जरूर शेयर होगा। और मैं अभी आपको बाहर दिखाती हूँ झूले। तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है लेकिन बच्चे फिर भी जो है झूले में इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सारे काम मेरे जो है अभी खत्म हो गए हैं। एक लास्ट काम मेरा रहता था वो था कपड़े सूखने डालने का, तो यहाँ पे जो है कपड़े भी अभी धुल गए हैं और मशीन को कर दिया है मैंने ऑफ। बस अभी ये जो है सब कपड़े में बाहर सूखने के लिए डाल दूंगी। और थोड़े से जो है और भी कपड़े हैं जो कि बच्चों ने अभी नहा के खोले हैं, उनको जो है दूसरी बार डाल दूंगी धोने के लिए। तो चलिए अभी जो है मैं इनको फटाफट से सूखने के लिए डाल देती हूँ। यहाँ पे बेबू बना रही है पॉपकॉर्न। सावन का महीना है, सावन के महीने में झूले लगाते हैं, झूला झूलते हैं। मेरा दोस्त कह रहा था ना कि रक्षाबंधन के लिए सिस्टर्स करती है। क्या करती है? सिस्टर्स सिस्टर सिर्फ। हाँ आप झूला होगा अपनी सिस्टर से? गिराऊंगा। केशु बेबो ने कहा है कि राखी इसलिए बनाते हैं ताकि तू हमारी रक्षा करे, और तू हमारे को क्यों गिराएगा? काम तो तू कराती है। काम? हाँ? काम तो हमसे कराती है। कौन बेबो? तो यहाँ पे ऑन कैमरा जो है बेइज्जती एक दूसरे की शुरू हो गई थी।
तो डियर फ्रेंड्स, ये जो था ये पॉपकॉर्न वाला, ये मैंने किया था आपके साथ इवनिंग का शेयर। तो बच्चे यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे झूला झूलने का, तो पारस और पारस के फ्रेंड्स में डिस्कशन चल रही थी कि ये जो झूले लगे हैं ये रक्षाबंधन के लिए हैं और अपनी सिस्टर्स को जो है इसमें झूला झुलाया जाएगा, कुछ ऐसा इनका जो था डिस्कशन हुआ था। तो वो मेरे साथ शेयर कर रहा था कि मम्मी ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही झूले लगे हैं या हम लोग भी इसमें झूल सकते हैं। तो बस इसी में जो है इनकी आपस में बहसबाजी चल रही थी, तो तभी ये मजाक में कह रहा था कि मैं झुलाऊंगा नहीं, मैं तो इनको गिरा दूंगा। तो बस यही बातें जो है चल रही थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ भी इनका थोड़ा सा जो गपशप है उसको शेयर कर देती हूँ। अभी जो है व्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको जो है मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में जो है मैंने आपके साथ बहुत ही यम्मी रेसिपी शेयर की है, आपको ये अच्छी लगी होगी, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर आके कमेंट कीजिएगा। अभी जो है मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। बाय बाय फ्रेंड्स।